जो भी विद्यार्थी पहली बार बोर्ड परीक्षा देते हैं, उनके दिमाग में यह सवाल जरूर आता है कि सर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस कहां से आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, पेपर कैसा आता है और पेपर का लेवल क्या होता है। ये ऐसे सवाल हैं जो हर बोर्ड परीक्षार्थी को परेशान करते हैं, खासकर उन बच्चों को जो पहली बार बोर्ड एग्जाम को फेस करते हैं। लेकिन जब हम एक बार बोर्ड एग्जाम को दे लेते हैं तो हमें इस बात का अनुभव हो जाता है कि बोर्ड हमसे क्या पूछना चाहता है और किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सवालों से छुटकारा पाएंगे और इन सवालों के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। देखिए, मैं आपके एक एक करके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले जान लीजिए कि जब भी कोई बोर्ड एग्जाम में पेपर सेट करता है तो बोर्ड के टीचर को यह इंस्ट्रक्शंस दे दिया जाता है, ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है बोर्ड के द्वारा कि आपको जब भी पेपर बनाना है, जब भी आपको पेपर सेट करना है, तो आपको हर बच्चे को ध्यान में रखकर बनाना है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत हार्ड पेपर सेट कर दिया और एवरेज बच्चे और जो थोड़े डल बच्चे हैं वो पेपर को ना कर पाए। तो बोर्ड का यह पूरा एम होता है कि हर बच्चे को उसको पास करना है, हर बच्चे को अच्छे से अच्छे अंक मिलने चाहिए, क्योंकि कोई भी बोर्ड अपना रिजल्ट खराब नहीं करना चाहता। तो बोर्ड के एग्जामिनर्स को ये एकदम सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन होता है कि जब भी आप पेपर सेट करेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कि अपनी बेसिक बुक से, जो उस बोर्ड के द्वारा बुक चलाई जाती है, उसी बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज मैं आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सबसे पहले बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, 40%, 30% और 30%, ये तीन तरह से डिवाइड होता है। 40% वो क्वेश्चंस होते हैं जो हर बच्चा अटेम्प्ट कर पाए, यानी कि हर बच्चा पास हो पाए उस पेपर में, यह जरूर ध्यान रखा जाता है हर एग्जामिनर के द्वारा, हर बोर्ड इस बात का ध्यान रखता है। 30% वो क्वेश्चंस होते हैं जो एवरेज बच्चे भी कर सकते हैं और 30% वो क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको डीप स्टडी, डेप्थ स्टडी की डिमांड होती है, जो कि एक टॉपर बच्चा करता है। सबसे पहले जान लीजिए, जो बोर्ड परीक्षा का जो पेपर बनता है वो आपके स्कूल के टीचर्स नहीं बनाते, वो बोर्ड की एक कमेटी होती है। बोर्ड पहले ही उन टीचर्स को चुन लेता है जो बोर्ड परीक्षा का पेपर सेट करते हैं, और ऐसा नहीं होता कि आपका जो पेपर बनता है एक सेट पेपर सेट किया जाता है। 15 से 20 सेट पेपर बनाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ टीचर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। एक बात जान लीजिए, आपके सामने जो पेपर होता है वो कई सारे टीचरों का दिमाग का मेल होता है जो आपके सामने रख दिया जाता है, इस बात का चेक करने के लिए कि आपने साल भर कितनी मेहनत करी है। तो बोर्ड के जितने भी टीचर्स होते हैं वो 15 से 20 सेट पेपर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद फाइनल कमिटी बोर्ड की देखती है, उसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो पेपर को एनालाइज करते हैं कि हर बच्चा इस पेपर को कर पाएगा या नहीं, या इसमें पास हो पाएगा नहीं। डिफिकल्टी लेवल को चेक कर लिया जाता है, आप कितना कर पाएंगे, कितना आउटपुट आपको मिलने वाला है, बोर्ड का क्या रिजल्ट रहेगा, ये सारी बातें प्री डिटरमिन हो जाती हैं, एग्जामिनर्स इसको चेक कर लेते हैं, इसी हिसाब से आपका पेपर सेट किया जाता है। फिर यह कमिटी 3 से 4 पेपर को सॉल्व फाइनल करती है, 3 से 4 पेपर का आंसर शीट बनाई जाती है, उसकी आंसर की होती है, उसी हिसाब से आपकी कॉपी चेक की जाती है और रैंडमली एक पेपर को सेलेक्ट किया जाता है जो पेपर आपके सामने आता है। अब सबसे पहले जान लीजिए कि बोर्ड के क्वेश्चंस को कैसे पकड़ें। तो देखिए, बोर्ड का जो सिलेबस है, बहुत दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि चैप्टर्स में आपके चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो होता क्या है, बोर्ड रिपीटिशन से बचने के लिए, कि क्वेश्चन का रिपीटिशन ना हो, इसलिए बोर्ड यह करता है कि हर साल एग्जामिनेशन से पहले एक मॉडल पेपर जो बोर्ड हर बोर्ड अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दे देता है, बच्चों को यह बताने के लिए, स्टूडेंट्स को यह बताने के लिए कि इस मॉडल पेपर की तरह ही आपका पेपर होगा, इसी लेवल पर, इसी बेस पर अपनी तैयारी आप करिए। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि उस पेपर को डाउनलोड ही नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने भी अपने समय में गलती करी थी, तो आपको इस गलती से बचना है। जो भी बोर्ड अपने एग्जाम का जो पैटर्न उसका होता है, जो बोर्ड का माइंडसेट होता है, वो बोर्ड का मॉडल पेपर आपको दिखा देता है, जो एग्जामिनेशन से आपका 3 से 4 महीने पहले बोर्ड अपनी हर बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर देता है, कि बच्चे को पता चल जाए कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, पेपर किस तरह का होगा, पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारी बातें आपको बोर्ड इसलिए क्लियर करता है क्योंकि बोर्ड जानता है कि मैं पेपर में कुछ ना कुछ इनोवेटिव करूंगा, हर बोर्ड अपने पेपर में कुछ अलग करना चाहता है, अलग टाइप के क्वेश्चंस निकालना चाहता है। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है, चाहे आप किसी भी यूट्यूबर को देखते होंगे, किसी भी टीचर से देखते होंगे, आपको टीचर बार बार कहते हैं कि उस ऑफिशियल वेबसाइट के जो सैंपल पेपर है उसको जरूर सॉल्व करें और मॉडल पेपर को सॉल्व करें, क्योंकि मॉडल पेपर जो बनता है वो उसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के जो सैंपल पेपर होता है उसको माइंड में रखकर बनाया जाता है। इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आपको पूरा एग्जामिनेशन वाला फील हो, और खासकर जब आप पहली बार बोर्ड परीक्षा को फेस करते हैं तो आपके मन में एक फियर सा होता है, इसी फियर को आपका निकालता है मॉडल पेपर, जो आपको बार बार कहा जाता है कि आप सॉल्व करें, क्योंकि मॉडल पेपर आपको बता देता है कि इस तरह के क्वेश्चंस ही आपको आएंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। देखिए, बोर्ड में क्या पढ़ना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपको पता है सिलेबस बहुत वास्ट है,
आपको सारी चीजें नहीं याद हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप टॉपर्स को देखते हैं कि वो उसी टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करते हैं, इसी वजह से उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो आपको बार बार कहा जाता है कि देखिए अपनी बेसिक बुक को फॉलो करिए, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को ज्यादा जोर दीजिए। देखिए इस बात का मैं आपको बता दूं कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं उससे ज्यादा जोर एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस पे दिया जाता है। आप कभी भी एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखना, एग्जाम्पल का लेवल ज्यादा अच्छा होता है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस से। तो बोर्ड में एग्जाम्पल क्वेश्चंस को भी एक एक क्वेश्चन जो 20 के क्वेश्चंस होते हैं, इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से भी क्वेश्चन उठाकर दे दिया जाता है। इस बात का महसूस आपको जब आप सोशल साइंस का पेपर दोगे, जब आप साइंस का पेपर दोगे, तो ये बातें आपको महसूस होंगी कि इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड बीच में से भी आपसे पूछ लेता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स होते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करिए, क्योंकि वो नए तरह के क्वेश्चंस आपको देते हैं, बेस आपका देखिए वही रहता है। सबसे पहले जान लीजिए, जब भी आपका पेपर आएगा तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, जो आपको सिलेबस दिया गया है वही बेस होगा एक बोर्ड के पेपर तैयार होने का, उसी बेस पर आपको काम करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हैं, नहीं, आपका जो सिलेबस है, जितना आपका पाठ्यक्रम है, सिर्फ आपको उतने में से ही पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस उसी तरह से दिए जाएंगे। एक बात ये जान लीजिए, बोर्ड जब ये पेपर जारी करता है तो इस बात का वो ध्यान रखता है कि मैंने जो मॉडल पेपर जारी किया है मुझे उसी पर बेस पेपर देना है, बच्चे मेरे तैयार हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको बोर्ड पेपर में देखने को नहीं मिलता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लाभ आपको इसलिए मिलता है क्योंकि वो बताता है कि बोर्ड किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का पैटर्न हर साल चेंज होता है, कुछ ना कुछ अलग करने का प्रयास हर साल किया जाता है ताकि आप एक अच्छा पेपर, एक चैलेंजिंग पेपर दे पाएं, अधिक से अधिक स्कोर कर पाएं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो सारे डाउट थे ये पूरे क्लियर हो चुके हैं, और आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, हमारी मेहनत आपको पसंद आई या नहीं। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ अमेजिंग डे अहेड।